भोजपुर में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर पिता की हत्या। दुकान पर बैठी थी लड़की, मन चलाकर करने लगा छेड़छाड़, पिता ने किया विरोध तो जमकर पीटा। बिहार में 48 घंटे तक ठंड से थोड़ी राहत, रात में होगी थोड़ी ठंड लेकिन कनकनी जैसे हालात नहीं होंगे, 3 डिग्री बढ़ेगा पारा। दिसम्बर को सरयू यमुना एक्सप्रेस कैंसिल, अमृतसर में मधुबनी आने वाली ट्रेन 2 दिन लेट। जयनगर पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 3 ट्रेनों में मिलेगा जनरल टिकट। टावर पर 18 घंटे से चढ़ा युवक, मुजफ्फरपुर में सिर्फ रहे युवक की करतूत, मांग रहा मिठाई और मोबाइल। डॉक्टर ने महिला को दी गलत सुई, मौत, क्लिनिक छोड़ डॉक्टर फरार हुआ, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। फुटबॉल चैंपियनशिप के बिहार वीवी की टीम भुवनेश्वर रवाना, पहले राउंड से ही मैच खेलेगी टीम। कलिंगा विश्वविद्यालय में हो रहा पूर्वी क्षेत्र पुरुष फुटबॉल चैंपियनशिप। मुजफ्फरपुर T20 चैंपियनशिप, यंग स्टार को हराकर नरौली सुपर किंग पहुंची क्वार्टर फाइनल में, चंदन ने 77 रन की पारी खेली। जीतन राम मांझी के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात, ब्राह्मण समाज ने की मांझी शुद्धिकरण कार्यक्रम की घोषणा, विशेष बटालियन भी तैनात। गोपालगंज में 2 शराब तस्कर को मिली उम्र कैद, कोर्ट ने 2 लाख का आर्थिक दंड भी लगाया, 488 लीटर विदेशी शराब के साथ दबोचे गए थे दोनों। चचेरे भाई बहन ने की शादी, परिजनों ने अपनाया, वैशाली में मंदिर में लिए 7 फेरे, 4 महीने की प्रेग्नेंट थी लड़की। अब तक विदेश से पटना है 12 लोग पॉजिटिव, ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं लेकिन डेल्टा बना रहा खतरा, 24 घंटे में 17 संक्रमित, 1 की मौत। खगड़िया में टैंकर ट्रक में भिड़ंत, युवक की मौत, नेपाल से LPG लाने पुरौनी आ रहा था, हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे मारी टक्कर। पटना में 10 दिन रहने के बाद तेजस्वी राष्ट्र दिल्ली रवाना, नेता प्रतिपक्ष बोले 3 से 4 दिनों में पटना लौटेंगे, हनीमून के लिए जमा पासपोर्ट लाने की चर्चा। अब मदद मांग रहा गोपालगंज का युवक, 15 दिन पहले कैश कार्ड वीजा पासपोर्ट सब चला गया, अब देश लौटना चाह रहा, कहा प्लीज हेल्प कीजिए। पटना में मां से बच्चों को हो गया कोरोना, मां की रिपोर्ट पॉजिटिव थी, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग में 2 और 5 साल के मासूम भी संक्रमित।